हाय, आई एम डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली और एनसीआर से। आज हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर का इंसिडेंस स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका वन ऑफ द मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन। अदर देन जस्ट सिगरेट स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो आइए जानते हैं कि लंग कैंसर को कैसे क्योर किया जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स। अक्सर लंग कैंसर के सिम्टम्स होते हैं खांसी रहना, क्रॉनिक कफ या खांसी में खून आना, सांस का फूलना, वेट लॉस होना और कई बार भूख कम हो जाना या कई बार गर्दन में कुछ एबनॉर्मल गांठों का निकलना। इन सभी सिम्टम्स के लिए अगर हम टाइमली जांच करें तो हम लंग कैंसर को टाइमली डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड, लंग कैंसर की प्रॉपर डायग्नोसिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लंग कैंसर की सबटाइपिंग। अक्सर लोग लंग कैंसर में बायोप्सी नहीं करवाना चाहते या उनको लगता है कि बायोप्सी करने से लंग कैंसर स्प्रेड कर जाएगा, इसलिए बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें डायग्नोसिस करना है और लंग कैंसर को सबटाइप भी करना है। लंग कैंसर के बहुत सारे सबटाइप्स हैं, आमतौर पर एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और एडिनो कार्सिनोमा के अंदर कम से कम 10 सब टाइप हैं, जैसे कि EGFR म्यूटेशन, मेट म्यूटेशन, एल्क म्यूटेशन, ROS1 म्यूटेशन, मेट म्यूटेशन, रेट म्यूटेशन, HER2 म्यूटेशन, BRAF म्यूटेशन, PD-L1 पॉजिटिव, PD-L1 नेगेटिव। सो ये सारी म्यूटेशंस जानना इतना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं या मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तीसरा, लंग कैंसर का प्रॉपर टाइमली इलाज लेना। अगर हम टाइमली इलाज लेते हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में इलाज लेते हैं, अर्ली स्टेजेस के अंदर हम सर्जरी करते हैं फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, फॉलोड बाय टारगेटेड थेरेपीज, और थोड़ी सी एडवांस स्टेजेस में हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के मिश्रण से इसका ट्रीटमेंट करते हैं फॉलोड बाय इम्यूनोथेरेपीज, और लेट स्टेजेस के अंदर कई बार हम कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं और कई बार इम्यूनोथेरेपी को भी इसमें जोड़ते हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। और फोर्थ पॉइंट है मेंटेनिंग गुड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। कैंसर इलाज आसान नहीं होता और कैंसर का इलाज पूरा ख़त्म करने के लिए एक गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत एहतियात से खाएं, अच्छा खाएं और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यानी कि अपने न्यूट्रिशन को अपबीट रखें और एक हाइड्रेशन लेवल भी अच्छा मेंटेन करें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। डोंट टेक ऑन टू स्मोकिंग, और या अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। ऐसा देखा गया है और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसके अंदर अगर स्मोकर और स्मोकर लंग कैंसर में अगर कोई स्मोक करता है और स्मोक कंटिन्यू करता है तो उन लोगों का इंसिडेंस और उन लोगों का क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा डिप कर जाता है। बट दोज हु आर एबल टू गिव अप ऑन देयर स्मोकिंग हैबिट, दे डू मच बेटर। और लास्ट, लेट स्टेज कैंसर्स यानी कि एडवांस्ड लंग कैंसर्स के अंदर अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये एक ज़िंदगी का एंड है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर में इस तरह से बदलाव लाई है कि इवन इन लेट स्टेजेस कैंसर यानी कि लास्ट स्टेज लंग कैंसर के अंदर भी 15-20% पीपल कैन गेट क्योर्ड।
यही नहीं, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से भी 5-year सर्वाइवल रेट ऑफ लंग कैंसर विच यूज टू बी 0% हैज़ इंक्रीज टू ऑलमोस्ट नाउ 25%।